सत श्री अकाल। पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। खबरां दा सिलसिला शुरू करन तो पहला नजर मारदे आं सुर्खियां दे वल। विधानसभा चोन नतीजे रुझाना च टीएमसी जित दी हैट्रिक वल, 100 दे फेर च फसी भाजपा। पछमी बंगाल चोन नतीजे टीएमसी 137 सीटां ते भाजपा 116 सीटां ते अगे, आखिरी नतीजे शाम तक आउणगे। ममता बैनर्जी का चोन मैनीफेस्टो की होवेगा नवा, की होणगियां तब्दीलियां, किस वर्ग नूं मिलेगा लाभ। अते हुण खबरां विस्थार नाल। पछमी बंगाल समेत पांच सूबियां दियां कुल 822 विधानसभा सीटां ते पईयां वोटां दी गिनती जारी है। बंगाल विच रुझाना दी तस्वीर वार वार बदल रही है। भाजपा हुण 100 दे आले दुआले घूम रही है, जदों कि तृणमूल कांग्रेस 180 दे आले दुआले बनी हुई है। टीएमसी नूं वड्डी लीड मिलदी नजर आ रही है। हुण तक टीएमसी नूं 187 सीटां मिल रही ने, जदों कि भाजपा 100 तों हेठां 98 सीटां तक पहुंच चुकी है। जेकर गल केरल राज दी कीती जावे तां केरल च 140 चों 32 सीटां ते एलडीएफ ने लीड बनाई है ते भाजपा दे श्री तरन ने लीड बनाई हुई है। असाम च भाजपा गठजोड़ नूं 54 सीटां ते लीड, कांग्रेस गठजोड़ 36 सीटां ते अगे है। तमिलनाडु विच डीएमके नूं 67 सीटां दी लीड ते है। नाल ही पांडुचेरी विच भाजपा नूं 5 ते कांग्रेस 1 सीट दे नाल अगे चल रही है। हालांकि असली तस्वीर वोटां दी गिनती तों बाद ही साफ हो सकेगी। पछमी बंगाल चोणां नूं लै के हरेक पार्टी ने अपनी जोर अजमाइश की। पांच सूबियां की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। जेकर ताज़ा रुझाना की गल की जाए तो तृणमूल कांग्रेस 137 सीटां ते भाजपा 116 सीटां ते अगे चल रही है, जिस तों तस्वीर साफ हुंदी नजर आ रही है। केरल विच लैफ्ट अते असाम विच बीजेपी स्पष्ट बहुमत वल वध रही है, जदों कि ममता बैनर्जी नंदीग्राम सीट तों पिछे चल रहे ने। बंगाल विच स्पष्ट बहुमत वल तृणमूल कांग्रेस वध रही है। तमिलनाडु विच डीएमके वाधे वल जा रही है। इस नाल ही असाम विच बीजेपी सत्ता दे नेड़े आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी समेत होर मंत्रियों की किस्मत ईवीएम मशीनां विच कैद है। हर किसी नूं आखिरी नतीजियां दे आउण दी उड़ीक है। नंदीग्राम विधानसभा हलके की गल करिए देखना दिलचस्प होगा कि जित का सेहरा ममता बैनर्जी के सिर मड़ेगा या फिर शुभेंद्र अधिकारी। ममता बैनर्जी वालों अपने चोन मैनीफेस्टो विच कहा गया है कि जेकर वह चोन जितते ने तो उन्होंने वालों 5 लाख नौकरियां कड़िया जाएगी। इस दे नाल ही हर घर गरीब परिवारों को राशन मुहैया होगा ते नाल ही किसानी ते विद्यार्थियों के लिए नवीं स्कीमां का ऐलान किया जाएगा। देश च एक दिन च कोरोना दे रिकॉर्ड 3,699 मरीजां दी मौत तो बाद मृतकां दी गिनती 2,15,542 हो गई है। उत्थे ही 3,92,488 होर लोकां च कोरोना वायरस इन्फेक्शन दी पुष्टि होण तो बाद इन्फेक्शन दे कुल मामले वध के 1,95,57,457 हो गए ने। देश च कोरोना वायरस इन्फेक्शन दा हाले भी इलाज करवा रहे लोकां दी गिनती 33 लाख दे पार चल गई। नवंबर 90 लाख, 19 दिसंबर 1 करोड़, 19 अप्रैल कोरोना के मामले 1.5 करोड़ तो वध हो गए सन। भारतीय मेडिकल खोज काउंसिल के अनुसार 1 मई तक 29,42,339 नमूनिया की जांच की गई, जिन्हों 18,04,954 नमूनिया की जांच की गई है। गोइंदवाल रोड मोहनपुर के नेड़े लुटेरियां वालों नौजवान नूं जहरीली दवाई अखां ते पा के लुटण की कोशिश की गई। गुरचरण सिंह पिंड बोतियां वाले जिला फिरोजपुर का रहने वाला ने दस्सिया है कि 10 सालों तो पिंड संगतपुर विखे अपनी 2 कंबाइनां नूं लैके कटाई लिया रहा है कि पिछे तो आ रहे मोटरसाइकिल सवार ने उस उपर कोई जहरीली दवाई पा दी। उस तो बाद झाड़ियां विच डिग के बेहोश हो गया। पिछे तो आ रही एक बलैरो गड्डी वालिया ने उसनू चुक के पानी पिलाया तो उसके साथियों बलैरो गड्डी वालिया के डर तो लुटेरे भजन विच कामयाब हो गए।
कंबाइन मालकां ने पिंड संगतपुर के मौतबर आगुआं नूं नाल लैके थाणा चोला साहिब विखे लिखती दरखास्त दे दित्ती है। उन्हां मंग कीती है कि इन्हां लुटेरियां नूं जल्दी तो जल्दी फड़ लिया जावे तां जो होर किसी का जानी नुकसान ना होवे। तरन तारण की थाना कच्चा पक्का पुलिस ने नशीलियां गोलियां सने एक व्यक्ति नूं काबू किया। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए थाना कच्चा पक्का के SHO लखविंदर सिंह ने दस्सिया कि पुलिस ने दौरान नाकाबंदी एक व्यक्ति नूं रुकण का इशारा किया जो कि पुलिस पार्टी नूं वेख के एकदम पिछे नूं मुड़न लग्या तो उसनूं शक के बिना ते रोक के जदों उसकी तलाशी ले गई तो उस कोलों नशीलियां गोलियां बरामद हुईयां जिसके खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनी चढ़दी कला टाइम टीवी ते जिला फतेहगढ़ साहिब विखे किसी भी हस्पताल विच वेंटीलेटर की सुविधा ना होने की खबर नशर की गई सी जिस तो बाद इस खबर का असर होया सेहत विभाग पंजाब हरकत विच आ गया जिसके चलदियां सेहत मंत्री ने जिले लिए फिलहाल की घड़ी दो वेंटीलेटर मुहैया कराने का ऐलान किया। इस नाल ही जिले के डिप्टी कमिश्नर फतेहगढ़ साहिब ते SSP अमनीत कौंडल वालों उद्योगिक शहर मंडी गोबिंदगढ़ च वख वख आक्सीजन प्लांटा का दौरा करके आक्सीजन की चल रही निर्विघन सप्लाई का जायजा लिया। जलालाबाद अनाज मंडी च कणक चोरी दीआं घटनावां लगातार सामने आ रही ने जिसके चलदियां सकत्तर मार्केट कमेटी बलजिंदर सिंह ते उन्हां दे स्टाफ वालों अचनचेत मंडी विच कंडियां ते छापा मारिया गया। इस मौके सकत्तर मार्केट कमेटी बलजिंदर सिंह ने दस्सिया है कि मंडी दे आड़तियां वालों मार्केट कमेटी नूं शिकायत की गई सी कि मंडी विच कणक दीआं बोरियां रोजाना चोरी हो रही ने जो कि इन्हां नजायज़ तौर ते चल रहे कंडियां ते वेचियां जांदियां ने। सकत्तर ने दस्सिया है कि शिकायतकर्तावां दीआं शिकायतां नूं मुख रखदे होए मंडी विच नजायज़ तौर ते लगाए गए कंडियां नूं हटवाया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पुरब मौके सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे संगतां अते श्रोमणी कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर ते होर अहुदेदारां वल्लों दीपमाला की गई। इस मौके संगतां वड्डी गिणती विच सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक होने लई पहुंचियां जिथे उन्हां गुरु घर विखे हाजरियां भरियां उत्थे ही देसी घिओ दे दीवे जगा अलौकिक दीपमाला भी की। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे की गई इस अलौकिक दीपमाला का नज़ारा देखदिआं ही बनता सी। पंजाब सरकार वालों कोरोना महामारी नाल निजिठण लई वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया सी जिस तहत अज दूजे दिन भी रियासती शहर नाभा शहर के पिंडा के इलाकों सन्नाटा छाया रहा जिथे नाभा के बोड़ा गेट स्थित बाजार बिल्कुल सुनसान नजर आ रहे थे उत्थे बाईपास सड़क से आवाजाई चलती आम वेखी गई। नाभा तो चढ़दी कला टाइम टीवी के रिपोर्टर जगनार सिंह दुलद्दी ने ग्राउंड जीरो से पहुंच के जायजा लिया तो ट्रैफिक इंचार्ज केसर सिंह ने दस्सिया है कि उन्होंने दुकानदारां ते शहर वासियां का पूरा सहयोग मिल रहा है। हलका डेरा बाबा नानक अधीन पेंदे कम्यूनिटी सेहत केंद्र च दाणा मंडी दी आड़तियां वालों जेलां ते सहकारता मंत्री पंजाब सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल मंडियां च बारदाना घट आउण पेमेंट ना मिलन अते लिफ्टिंग संबंधी आ रही मुश्किलों बारे विचार किया गया। कैबिनेट मंत्री रंधावा ने कहा कि आड़तियां नूं आ रही मुश्किलों नूं एक दो दिन विच ही हल कर दिता जाएगा। नगर कौंसल तपा की प्रधानगी लैके श्रोमणी अकाली दल पार्टी आजाद उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के कौंसलर ने कांग्रेस से गंभीर दोष लाए ने। पंजाब महाकावर संघा के पंजाब प्रधान ते श्रोमणी अकाली दल पार्टी दे आगू नगर कौंसल तपा दे साबका प्रधान वालों रखी गई मीटिंग विच सारे अठ कौंसलरां दी सहमति नाल वार्ड नंबर 4 तो आजाद जेतू उम्मीदवार उगे समाज सेवी धर्मपाल शर्मा नूं नगर कौंसल तपा दा प्रधान अते श्रोमणी अकाली दल पार्टी दे वार्ड नंबर 2 तो जेतू कौंसलर विनोद कुमार काला नूं नगर कौंसल तपा दा मीत प्रधान बनाउण दी सहमति बनाई गई। जेकर दूजे पासे कांग्रेस पार्टी की गल की जाए तो पंजाब के सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने पिछले दिनी प्रशासन की हाजिरी विच नगर कौंसल तपा दा प्रधान अनिल कुमार कालापूत ते मीत प्रधान की जिम्मेवारी डॉक्टर सोनिका बांसल नूं सौंपी सी।
कीर्ती किसान मोर्चा रूपनगर दे वल्लों नूरपुर बेदी दे पिंड चेहड़ मजारा विखे मजदूर दिवस से श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के जन्म दिहाड़े संबंधी मजदूर एकता किसान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया सी, जिस संयुक्त किसान मोर्चे के वड्डे आगू भी पहुंचे हुए सन। इस कॉन्फ्रेंस नूं रोकण दे लई पहला भी प्रशासन वालों रोकां लगाईआं गईआं सन, परंतु बावजूद प्रबंधकों वालों इस कॉन्फ्रेंस नूं सफलतापूर्वक नेपरे चाड़िया गया ते वड्डी गिणती दे विच लोकां दा हजूम इस कॉन्फ्रेंस विच पहुंचिया होया सी। पर हुण प्रशासन दे वल्लों प्रबंधकां ते होर जथेबंदी दे आगूआं ते आम आदमी पार्टी दे आगूआं ते होरनां लोकां ते कारवाई करदे हुए वख-वख धाराएं दे अधीन मामला दर्ज किया गया। सब डिवीजन अमलोह विच बतौर CDPO अपनियां सेवावां निभा रहे मैडम मंजू सूद दी रिटायरमेंट ते उन्हां नूं विभाग दे मुलाजमां ने विदायगी पार्टी दित्ती। इस मौके कोरोना संबंधी सरकार दी हदायतां नूं ध्यान विच रखदे होए छोटी जी पार्टी रखी गई, जिस च उन्हां नूं सन्मानित करन लई पंजाब दे कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसौत, हलका अमलोह दे MLA रणदीप सिंह ते निजी सकत्तर राम कृष्ण भल्ला ते जिला प्रोग्राम अफसर गुरमीत सिंह ने शिरकत कीती। CDPO मंजू सूद नूं रिटायरमेंट ते निघी विदायगी देण मौके पंजाब दे कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसौत ने उन्हां नूं वधाईआं दित्तियां। अज बहुत ही खुशी का दिहाड़ा है। बीबा मंजू सूद जी जिहड़े बतौर CDPO जिन्हां रिटायरमेंट लई है, और भूषण सूद जी उन्हां दे पति ने, बच्चे परिवार खड़िया होया, और मैं समझदा कि बहुत खुशी लई परमात्मा की मेहर भरिया हथ होवे तां जिहड़ी नौकरी करदे आ कोई बंदे तो कई वारी कोई गलती हो जाती है, कोई रिटायरमेंट दे नेड़े आ गई इल्जाम लग जांदा है, उस नूं देखदे हुए मैं सारे परिवार नूं भैण मंजू सूद नूं बधाई देनी चाहुंदा कि ऐन बतौर तुसीं CDPO जिवें कहिंदे चिट्टी चादर परमात्मा रख के रिटायरमेंट लई है, और इस गल की मैं बधाई देनी चाहुंदा। परमात्मा करे अगर तुहाडी जो जिंदगी है खुशियां भरी होवे और तुसी चढ़दी कला च रहो, यही मेरी बेनती है। अज CDPO मंजू सूद जी रिटायर हो रहे ने, इन्हां दी वधाईगी ते समाज सुरक्षा इस्ती दे बाल विकास विभाग बधाई दिंदा है, ते इन्हां वल्लों जो सेवावां निभाईआं गईआं ने वह विभाग हमेशा ऋणी रहूगा इन्हां तों। बहुत ही बेहतरीन इन्हां ने सेवावां दित्तियां गईआं ने इन्हां वल्लों, ते मैं पूरे परिवार नूं वधाई दिंदा। इन्हां दे जीवन साथी श्री भूषण सूद जी, इन्हां ने पूरा संपूर्ण साथ दिता इन्हां मैडम का, ते इन्हां नूं जिहड़े शुभकामना दिंदे आ भविख विच इन्हां दा परिवार सुख शांति ते चढ़दी कला च रहे। बहुत ही रिस्पेक्टेड मेरे बड़े भैन जी मंजू सूद जी, उन्होंने हसबेंड भूषण सूद जी, और बाकी डिस्टिंग गैस्ट। अज बड़ी मैं खुशी हुई है कि भैन जी ने अपने लाइफ जो सर्विस दौरान काम किया सरकार लई समाज लई, बहुत रिनी हाँ कि अज अपनी एक वर्ड होंगे रिटायर तो बंदा जिंदगी कदे भी नहीं होंदा, एक सेवा मुक्त होए ने भैन जी साढ़े सरकारी काम तो। अगे जिम्मेवारियां परिवारिक तौर पर उवें ही चलदे रहिंदे ने, जिवें साडे डॉटर लॉर साडे बेटे ने दस्सिया, क्योंकि यह परिवार बहुत ही भागा बारी पर कह सकते हैं, क्योंकि मैं नाभे ने बिलोंग करदा है काका रणदीप सिंह जी फादर साहब सरदार गुरदर्शन सिंह नाभा, पांच बारी वो मिनिस्टर रहे पंजाब विच, और उन्होंने बाद उन्होंने मिसिज सतेंद्र कौर जी 1985 पहली बारी अगर महिला कांग्रेस पंजाब बनी सी, उसके फाउंडर प्रेजिडेंट राजीव जी ने उन्होंने लगाया गया सी। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है, नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे, तद तक लई दिओ इजाज़त, धन्नवाद।